वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल एसओसाई गुरु में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली कवच के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको एसओसाई गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे न्यू व्यूअर्स न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम जानकारी दे दें कि हमारे यहाँ जो है हम मंत्रों के बारे में और रेयर वैदिक चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मनी टेक्निक्स, इन सब के बारे में देते हैं। आज का जो विषय जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये है नर्सिंग कवच के बारे में है। ऐसे बहुत लोग जानकारी रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार लॉर्ड नरसिम्हा, नरसिंह भगवान, जिनको कि भक्त प्रहलाद के ने पुकारा था और वो उनके समक्ष आ गए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो बहुत लोग मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि गुरुजी, हम इस कलयुग में हम देख रहे हैं कि बहुत हमें कष्ट है और ये कलयुग में इतने ऐसे ऐसे घोर पाप और ये सब हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये पहले आपको बता दूँ मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, कि ऐसा नहीं है कि कलयुग में, सतयुग में भी अगर आप देखें और त्रेता युग में भी ऐसे भी है। क्योंकि देखिए, प्रहलाद जैसे भक्त को जो है उनके पिताजी ने इतनी उनको तंग किया था और वो भगवान विष्णु जी का नाम लेते थे तो उनको जो है इतनी कष्ट भोगने पड़े थे। तो आप सोच सकते हैं कि सतयुग हो या त्रेतयुग हो, हमेशा गुड और ईविल और अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई चलते रही है। तो वो हमेशा जो है रहा है, हमेशा रहेगा। इसमें ऐसा कोई ये युग कलयुग हो या सतयुग हो या त्रेता युग हो, द्वापर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। तो नरसिंह कवच जो है, देखिए ये नरसिंह कवच जो है, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में बता दूँ, नरसिंह कवच संरक्षण पाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली कवच है। नरसिंह कवच एक सुरक्षा कवच तथा आध्यात्मिक कवच है। भगवान विष्णु व नरसिंह के नरसिंह अवतार का यह कवच अत्यंत चमत्कारी प्रभाव देता है और नरसिंह कवच बुरी आत्माओं से सुरक्षा और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ भक्ति और शक्ति और शांति में वृद्धि के लिए मंत्र है। भगवान विष्णु के इस नरसिंह अवतार का यह कवच अत्यंत चमत्कारी और तुरंत प्रभावी, तुरंत लाभकारी है। नरसिंह कवच के जाप से व्यक्तिगत जो भी कुंडली होती है उसके अंदर की सारी नकारात्मक का ऊर्जा, नेगेटिव जो भी प्लैनेट्स और कर्म संरचनाओं को शुद्ध करता है तथा सभी प्रकार की शुभता को प्रकट करता है। तो जो व्यक्ति इस नरसिंह कवच का नियमित पाठ करता है तो उसे सभी प्रकार की बाधाओं से और सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान होती है। और जो व्यक्ति इसे नियमित पाठ करता है तो इसमें उसके काला जादू, भूत तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, विचार, बुरे व्यसंग और अन्य हानिकारक चीज़ों से छुटकारा पाता है। इसे नरसिंह कवच जो है ब्रह्मांड पुराण से का एक शक्तिशाली मंत्र है, जिसे कि हमने पहले ही बताया था, महाराज प्रहलाद महाराज द्वारा कृत किया गया है। तो अब हम जो है कि इसमें सबसे पहले मैं इसकी विधि बता दूँ कि ये नरसिंह कवच जो है किस किस को व्यक्ति जो है वो इसको जाप कर सकते हैं। ये नरसिंह कवच का पाठ हर व्यक्ति कर सकता है जो आज की डेट में भय में गुजर रहा है, उसको कोई कष्ट हो, उसने सारे रास्ते करके देख लिए हैं और कोई रास्ता उसको सूझ नहीं रहा है, उसका बिजनेस ठप हो गया है, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके शत्रु उसको बाधा हो गई है, लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट मैटर्स हैं, भूत प्रेत है, शारीरिक मानसिक कष्ट हो, उसके लिए जो है ये बहुत ही ये है। क्योंकि नरसिंह कवच हम कह सकते हैं दुनिया में बुराई और अत्याचार के खिलाफ एक अंतिम सुरक्षा है। इस नरसिंह कवच के स्मरण मात्र से ही भक्तों को किसी भी नुकसान से बचाया जा सकता है और एक सुरक्षित, स्वस्थ और शांत और सामान्य जीवन प्रदान करता है। तो इसे हम नरसिंह कवच और को कह सकते हैं भक्तों के कल्याण की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के साथ साथ एक जीत का भी कवच है। इसमें जो है जो भी इसका पाठ नियमित करता है तो जीत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनको जो सारे उपाय कर चुके हैं और कोई उपाय बाकी शेष रह गया हो, हमारी आपसे गुजारिश है नरसिंह कवच का पाठ आप जरूर करें, इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, इसको आप जो है शनिवार को शुरू करें। इसका मिनिमम एक पाठ, तीन पाठ, पांच पाठ, सात पाठ है। मेरे हिसाब से अगर आप 11 पाठ भी करेंगे ये समस्याओं के ऊपर है,
आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होगी, जो भी आपको जो भय जो आपके अंदर है, जो भय और जो बिल्कुल एक आपके अंदर जो आप कह सकते हैं आप बिल्कुल लाइफलेस हो गए हैं, उसमें आपको जान डाल देगी और आपकी सारी जो ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए आप इसको अगर आपके नरसिंह भगवान के पास का फोटो रखें, गोल्डन कलर का फोटो हो जिसमें कि नरसिंह भगवान गोल्डन एक सिंहासन में बैठे हों प्रहलाद महाराज के साथ, वो फोटो लें और उस फोटो पे करके इसको आप उनके सामने लाल रंग का आप ड्रेस डालें, लाल रंग का आसन हो, लाल फूल हो, लाल किस्म की मिठाई हो, ये शुरुआत करें। आप कम से कम जो है मेरे हिसाब से 43 डेज एक मंडल जैसे मंडला कहते हैं, एक मंडल 43 डेज का होता है, वो आप करें। ये मेरा आपको चैलेंज है कि आपको बहुत ही जल्द एक हफ्ता 10 दिन 11 दिन 21 दिन आप मैक्सिमम 43 डेज के अंदर आपकी किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल एस्ट्रोसाई गुरु को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिनको कोई समस्या हो अपने जॉब में, अपने मैरिज में, अपने उनको बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हो, वो हमारे से ज्योतिषी परामर्श कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे और व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके बताएं कि ये नरसिंह कवच का आपको मंत्र जो है कैसा लगा, क्योंकि इससे आपको लाभ तो मिलना ही है, इसमें कोई डाउट का तो है ही नहीं क्वेश्चन। मैं आपको फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि नरसिंह भगवान आपकी सारी रक्षा करें और आपको सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य दें। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू।